हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत देश के अंदर गौ माता में हुई बीमारी के बारे में। दोस्तों, सुना जा रहा है कि गौ माता के अंदर मतलब शरीर में काफ़ी सारे फफोले उठ गए हैं, जिससे मतलब गौ माता की काफ़ी सारी मृत्यु हो रही है। दोस्तों, सुनने में आया है कि मतलब 2000 से भी ज़्यादा गौ माताओं का निधन हो चुका है। तो दोस्तों, इसी बीमारी को रोकने के लिए ये मतलब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं फफोले हो रहे हैं गौ माता के, इस बीमारी को अब कैसे ठीक करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको रोज़ डेली मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो गौ माता का मतलब कितना नुकसान हो रहा है, कई गायें मर चुकी हैं। तो इस बीमारी को अब कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं इसके, जो जल्दी से गौ माता में सुधार आए। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले अपने को गांव में जो नीम होती हैं उसको मतलब बिल्कुल पीस लेना है और उसका मतलब लेप बना लेना है। लेप बना के उसके अंदर अपने को थोड़ा सा मतलब हल्दी भी मिक्स कर लेना है। हल्दी को मिक्स करके अच्छी तरीके से हिला के इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो अपनी नीम का मोटा सा तना होता है, तने के मतलब वहाँ पे बहुत सारे छिलके होते हैं दोस्तों। तो इस फोटो में आप देख पा रहे हो ये जो बड़े बड़े छिलके हैं, इनको भी अपने को ले लेना है, ताकि ये भी बहुत कड़वे होते हैं, तो इनसे मतलब कीटाणु जल्दी से मर जाते हैं। इस तीनों को मिक्स करके गौ माता के लेप लगा देना पूरे शरीर पे, जहाँ पर भी फफोले हो रहे हैं, और लगातार उसको 5-10 दिन के लिए ये जूस पिलाए। ये नीम का जूस है जो काफ़ी मतलब हद तक सही है दोस्तों, इससे जल्दी इन फफोलों में सुधार आएगा और गौ माता जल्दी से ठीक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर गौ माता ठीक नहीं होगी तो हमें मतलब दूध, घी, दही, इन सब चीज़ों की मतलब ज़रूरत होती है, तो वो कमियां पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ये हिंदुओं की शान है, इसको बचाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।